हेलो फ्रेंड्स, मैं मुराद व्यास और आप देख रहे हैं टेक्निकल कार्य। फ्रेंड्स, आज मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ही फेमस टॉपिक, लेथ मशीन। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लेथ पड़े हैं। उसमें सबसे पहला जो ये लेथ है वो जंबो लेथ है, और पीछे जो लेथ है वो एक नॉर्मल लेथ है। आपने जंबो लेथ शायद ही कहीं पे देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इस सबको हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं व्हाट इज लेथ मशीन। लेथ मशीन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? फ्रेंड्स, लेथ मशीन को इंडस्ट्री का मदर मशीन कहा जाता है। ये एक मदर मशीन है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन होते हैं। बेसिक यहाँ पे एक ऑपरेशन है सिलिंड्रिकल जोपे पे, टर्निंग, प्रेसिंग और बहुत कई सारे ऑपरेशन 14 तरह के होते हैं। और ये मशीन है उसमें कई सारे और अटैचमेंट हम यूज करके और भी कई सारे जो दूसरे मशीन करते हैं काम वो हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया। बात करते हैं लेथ को पावर देने की। फ्रेंड्स, लेथ पावर कहाँ से लेता है? बेसिकली आजकल के जमाने में जहाँ इलेक्ट्रिकल क्रांति आ गई है तो यहाँ पे पावर लेता है लेथ मोटर से। फ्रेंड्स, लेकिन बात है, सोचिए जब मोटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, हाँ तब लेथ को क्या बोलते हैं? इंजन लेथ बोलते थे। क्यों? क्योंकि तब होता था स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन से रोटरी पावर हम लेते थे और देते थे लेथ को। फ्रेंड्स, चले हम आज की ही बात करते हैं, पुराने जमाने को हम पुराने जमाने में छोड़ देते हैं। बेसिकली जो मोटर होती है लेथ की, वो लेथ के पीछे रखी गई होती है। फ्रेंड्स, ये कंपार्टमेंट जो है वो है हेड स्टॉक और वो पीछे का भाग है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे ये रही हमारी मोटर। फ्रेंड्स, इसी मोटर के थ्रू पावर ट्रांसफर होता है गियर मैकेनिज्म में। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे बेल्ट और पुली का एक ऐसा लेकिन अभी भी और भी कई सारे एलिमेंट है जहाँ पे पावर ट्रांसमिट होके फाइनली हमारे जो चक है वहां पे आता है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा गियर मैकेनिज्म। यहाँ से जो पावर है वो जाता है मेन पार्ट में जो कि स्पीड वेरिएशन करता है। हमें लेथ ऑपरेशन में बहुत सारी वेरिएशन वाली स्पीड चाहिए होती है, और वो काम और वो मैजिक करता है ये कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट को कहते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन गियर रखे गए होते हैं जो कि हमारी जो स्पीड चाहिए हमें उसके हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं, और उसी को सेट करने के लिए यहाँ पे दो लीवर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ए, बी और सी तीन टाइप के हमें सेटिंग मिलते हैं, और उसके ही साथ में एक और कॉम्बिनेशन सेटिंग मिलता है 1, 2, 3 और 4। और बात करते हैं इन दोनों कंपार्टमेंट को हम सेट कैसे करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर गियर में ये दिया जाता है अपने ही मैन्युफैक्चरिंग तरीके से। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 210 रिवॉल्यूशन पर मिनट की हमें स्पीड चाहिए, तो हम इसको कैसे सेट करें? फ्रेंड्स, आप इसके कॉलम और रो देख सकते हैं। यहाँ पे ए हमें सिलेक्ट करना है राइट लीवर पे, और जो है हमारा 3 नंबर वो हम सिलेक्ट करेंगे हमारे लेफ्ट लीवर में। तो चलिए करते हैं सिलेक्ट राइट पर, हम ये सिलेक्ट करते हैं, यू कैन सी हियर, ओके, एंड लेफ्ट पे हम करते हैं 3 नंबर। ओके, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लीवर 3 पे सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब जो बात होगी यहाँ पे हमारा स्पिंडल घूमेगा, वो घूमेगा 210 रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन उससे पहले भी और एक एलिमेंट आता है, वो होता है हमारा स्पिंडल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्पिंडल है। स्पिंडल बेसिकली एक होलो सिलेंडर ही होता है थिकनेस वाला, जिसपे हम हमारा चक है वो माउंट करते हैं। फ्रेंड्स, चक बेसिकली क्या करता है, हमारा जो वर्क पीस है उसे होल्ड करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूं कि जो चक है उसमें होल्डिंग करने के लिए जो आते हैं, ये सारे है वो जो है। तो ये जो चक है वो 4 जो चक है, और वो ये सारे जो है वो हमें बारी बारी से इसको टाइट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ये ऑटो सेंटरिंग नहीं है। जो 3 जो चक है वो ऑटो सेंटरिंग होता है, उसके लिए भी एक अंदर मैकेनिज्म होती है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की हमने 4 जो चक की, तो चलिए एक हम यहाँ पे मटेरियल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पैन है, लेकिन आप समझिए ये एक सिलेंडर है जो कि हमें फीड करना है यहाँ पे। मीन्स क्या है कि इसको होल्डिंग करना है हमें चक पे। फ्रेंड्स, ये चारों जो है वो सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मैंने यहाँ पे होल्ड किया है। अब इस जो को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे की आती है उसको इसमें इंसर्ट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको रिवॉल्व करना पड़ता है। तो ये चारों जो है वो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट होके। ओके,
फ्रेंड्स तो ये हो गई हमारे जॉब को होल्ड करने। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही हैवी मशीन में हमेशा फाउंडेशन किया जाता है और उसी की तरह लेथ में भी फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो वहाँ पे एक लेग है और ये दूसरा लेग है। फ्रेंड्स इस दोनों ही लेग को अर्थ में फाउंडेशन किया जाता है। फ्रेंड्स फाउंडेशन का जो मेन हमारा एम है क्योंकि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है मशीनिंग ऑपरेशन के दरमियान, तो वो हम जमीन में ट्रांसफर करते हैं जिससे हमें अपने जो जॉब है उस पर फिनिशिंग हमें बहुत ही बेहतर है। सारा जो मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे वो सारा रेस्ट करता है बेड के ऊपर। आप ये पूरा जो देख सकते हो ये सिग्मा कंपनी का यहाँ पे लेथ हमने दिखाया है आपको। हम इसका प्रमोशन नहीं करते लेकिन मैं आपको बताता हूँ, और ये जो है वो इसको हम बेस कह सकते हैं। ये पूरा काशलाइन का बना होता है और उसके ऊपर हमारा जो हेड स्टॉक था वो होता है। अब बात करेंगे हम आगे की, तो जो बेस होता है उस पर हम यहाँ पे इसको कहते हैं वी स्लाइड। फ्रेंड्स जो सारी जो स्लाइडिंग मोशन होती है लॉन्जिट्यूडनल मोशन होती है वो इसी वी स्लाइड के ऊपर होती है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों जो पार्ट है वो वी शेप में है, कॉनिकल शेप में, इसी वजह से इसको कहा जाता है वी स्लाइड। तो ये वी स्लाइड के ऊपर हमारे टू मेन कॉम्पोनेंट होल्ड होते हैं और स्लाइड करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जिससे हमारा मशीनिंग ऑपरेशन होता है वो उसको हम कहते हैं यहाँ पे कैरेज। फ्रेंड्स कैरेज ये जो पार्ट आप देख सकते हो उसको कैरेज कहते हैं। उसके नीचे एप्रोन आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कैरेज के ऊपर आता है क्रॉस स्लाइड। फ्रेंड्स क्रॉस स्लाइड का यूज क्या होता है उसको भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। उसके ऊपर आता है हमारा कंपाउंड रेस्ट। इसको ये जो पूरा पोर्शन आप देख सकते हो सेपरेट लाइन से उसको कहता है हमारा कंपाउंड रेस्ट। फ्रेंड्स इसका जो यूज होता है उसको भी हम बाद में कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आता है टूल पोस्ट। फ्रेंड्स ये पूरा जो आप देख सकते हो इसे कहते हैं टूल पोस्ट। फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये हमारा टूल है। फ्रेंड्स ये टूल नहीं पेन है लेकिन हम इसको टूल मानते हैं। तो यहाँ पे टूल को इंसर्ट किया जाता है और ये जो चार मेन यहाँ पे नट्स दिए है स्क्रू दिए है इसको हमें टाइट करके इसको होल्ड करना पड़ता है इसको। ओके तो इसको हमने होल्ड कर दिया तो इसको पूरे जो मैकेनिज्म है उसको टूल पोस्ट कहते हैं और इसको हम किसी भी एंगल में रख के टूल को एंगल दे सकते हैं। ये है लॉकिंग नट। इसको लॉक करने से फिक्स करने से जो पूरा मैकेनिज्म है वो लॉक हो जाता है और हिलता नहीं है मशीनिंग ऑपरेशन के थ्रू। ये टिप है नोज है हमारे टूल की। जो बात था वो हमने कर दिया। यहाँ पे कैरेज पे हम क्या क्या रेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स कैरेज के नीचे आता था एप्रोन। एप्रोन का यूज कहाँ होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा टूल है उसकी मेन टू हम यहाँ पे मोशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा स्ट्रोक, ये है हमारा एक टेल स्ट्रोक। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये एक्सिस है पूरा जिससे हम हमारा सर्कुलर बार या हमारा जो जॉब है उसको होल्ड करते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो एक्सिस है उसकी एक्सिस में हम मोशन करवाना चाहे तो उसके लिए एक मैकेनिज्म हमें एप्रोन में दी गई है। फ्रेंड्स आप एप्रोन में यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो व्हील हमें दिया है उससे हम इसकी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गई लॉन्जिट्यूडनल बात की। फ्रेंड्स लॉन्जिट्यूडनल मोशन से हम यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स वो सब बात हम हमारे अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। फ्रेंड्स अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सिलिंडर जॉब यहाँ पे अटैच किया है और उस जॉब की जो एक्सिस है यानी कि जो हमारी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हमें फीड चाहिए यानी कि हमें उस पर कटिंग करना है यानी कि उसको टेक्निकल टर्म में फेसिंग कहते हैं। फ्रेंड्स हमें फेसिंग करना है तो उसके लिए हमें क्रॉस मोशन चाहिए जिसे हम लेटरल मोशन भी कहते हैं। ये लॉन्जिट्यूडनल मोशन और उसके परपेंडिकुलर लेटरल मोशन इसके लिए भी हमें एप्रोन में ही मैकेनिज्म मिलती है और वो हम यहाँ पे एक छोटा सा और एक व्हील दिया है उसको घुमाने से हम यहाँ पे लेटरल फीड हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब बात का जो मैकेनिज्म है वो एप्रोन के अंदर ही आता है। तो ये टू टाइप ऑफ मोशन हम गेन कर सकते हैं यहाँ पे एप्रोन बॉक्स। उसके अलावा भी हमारी जो ये फीड मैकेनिज्म और एक दी गई है इसको हम कहते हैं टैपर फीड अटैचमेंट। इसके आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इसको मैं मूव कर रहा हूं तो ये जो हमारा कंपाउंड रेस्ट है वो लॉन्जिट्यूडनल फीड कर रहा है।
तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इसको हम करके भी टूल को लॉन्जिट्यूडनल फीड दे सकते हैं और जो हमारा मेन व्हील है उसको यूज करके भी हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फीड दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो यूज है मेनली होता है टैपर टर्निंग में। फ्रेंड्स टैपर टर्निंग क्या है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये बात हो गई ये फीड मैकेनिज्म की। फ्रेंड्स हम आगे बात बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, यानी कि जिसको हम कहते हैं टेल स्ट्रोक। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कही जाती है लेथ में। लेथ में यहाँ पे जॉब को होल्डिंग करने के लिए और सपोर्टिंग देने के लिए टू पार्ट होते हैं, हेड स्ट्रोक और दूसरी साइड टेल स्ट्रोक। वो सब छोड़िए, एक मैंने लंबा सा रोड ले लिया है, पतला सा या कोई भी डायमीटर होता है फ्रेंड, मैंने उसको यहाँ पे चक में होल्ड कर दिया है। फ्रेंड वो जैसे ही चक से दूर जाएगा वो अपने ही वेट की वजह से बेंड हो जाएगा और इसी की वजह से जो हमारा मशीनिंग ऑपरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैकेनिज्म दी गई है वो है हमारा टेल स्टॉक। फ्रेंड्स यहाँ पे टेल स्टॉक का यूज केवल सपोर्ट करने के लिए ही नहीं होता है, इसके साथ ही यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये जो पूरी मैकेनिज्म है इसको कहते हैं टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक है इसकी मैकेनिज्म हम जानते हैं कैसे वर्क करता है। फ्रेंड जैसे कि आप ये स्पिंडल देख रहे हो, इसको रिवॉल्यूट करने से यहाँ पे जो ये बार है सिलिंड्रिकल वो लॉन्जिट्यूडनल मोशन गेन करता है। फ्रेंड उसके बाद ये जो पार्ट है उसमें मोस्ट टेपर आता है और उसी मोस्ट टेपर की वजह से यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स या अटैचमेंट फिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये जो अटैचमेंट यहाँ पे अभी लगी हुई है इसको हम कहते हैं लाइव सेंटर। फ्रेंड्स इसी से हम लॉन्ग जो हमारा जॉब होता है सिलेंडर का उसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। हमें दिया गया है इसको निकाल के हम बोरिंग टूल सेंट्रल ड्रिल ये सारे मैकेनिज्म हम इजीली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है स्टेपर, मोस्ट टेपर दिया गया है जो कि इजीली हमें टूल होल्डिंग और डिस होल्डिंग करने के लिए यूज होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा जो टेल स्ट्रोक है उसको लॉकिंग करने के लिए ये एक नट दिया गया है। फ्रेंड्स इसको टाइट करने से ये जो पूरा टेल स्ट्रोक है वो बेड के साथ अटैच हो जाएगा और हिलेगा नहीं। फ्रेंड्स दूसरी बात, जब हमने यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फीड हमारे मुताबिक गेन कर ली हो, क्योंकि हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है इसी की वजह से हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फील देते हैं, तो उसको हम गेन करने के बाद इस लीवर से फिट कर सकते हैं जिससे हमारा जो टूल है वो मोशन गेन ना कर सके। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने पुरानी बात की वो सारी जो मैकेनिज्म थी वो हैंडल होती थी मैनुअल तौर पे, लेकिन अब जमाना है ऑटोमेशन का। फ्रेंड्स तो ऑटोमेशन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है इस मशीन में। बात करते हैं हम थ्रेड। फ्रेंड्स हमें थ्रेड पार्ट जनरेट करना है हमारे चॉप, तो उसके लिए जो पीच होती है थ्रेड की वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। उसको हम मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो थ्रेडेड यहाँ पे जो रोड दिया गया है उसको कहते हैं लीड स्क्रू। ये जो पूरा जो रोड है उसको कहते हैं लीड स्क्रू। फ्रेंड्स यहाँ पे लीड स्क्रू में मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। फ्रेंड्स ये जो दूसरा रोड दिया गया है इसको कहते हैं फीड एलिमेंट है, वो ऑटोमेटिक पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। फ्रेंड्स आप सोच रहे हो यहाँ पे थ्रेडेड है, डेफिनेटली ये पावर ट्रांसमिट करेगा हमारे कैरेज को, और दूसरा जो फीड रोड है वो भी पावर ट्रांसमिशन के लिए ही यूज होता है। किस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रूव है, लेट्स सी। नीचे कर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्वायर ग्रूव थ्रू आउट द रोड दिया गया है और इसी की वजह से हम ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्रॉस फीड के लिए यूज होता है। फ्रेंड्स उसी जो बार है उसका यूज करके हम क्रॉस फीड या फिर लेटरल फीड दे सकते हैं हमारे टूल पोस्ट को, और उसी के साथ हम उसको फीड दे हमारा जो कंपाउंड रेस्ट है उसको भी हम ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं। फ्रेंड्स इस दोनों ही एलिमेंट में पावर कहाँ से आती है,
तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा और गियर बॉक्स दिया गया है जो कि बहुत ही फाइन हमें मेजरमेंट करके यहाँ पे फीड दे, इसी दोनों एलिमेंट को हमें मोशन मिलती है। और इसी का जो अरेंजमेंट है उसको सेट करने के लिए हर एक लेथ में अपना एक अलग चार्ट होता है और वो चार्ट दिखाया जाता है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये पूरा चार्ट है वो थ्रेडिंग के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट लेथ में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया गया होता है। और इसी का जो अरेंजमेंट है उसको हमें सेट करना होता है वो घेर मैकेनिज्म में, और ये पूरी घेर मैकेनिज्म होती है हमारे हेड स्टोक के नीचे। फ्रेंड्स और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑटोमेशन से पावर ट्रांसमिशन की बात है, मैन्युअल पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है ये बहुत ही छुपी हुई बात है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे रैक दिया गया है, ये जो पूरा पार्ट है वो रैक कहा जाता है, और इसी के साथ जो हमारा कैरेज है उसमें एक पिनियन दिया गया होता है और इसी की वजह से हम मैन्युअली लॉन्जिट्यूडनल फीड दे सकते हैं। मेनली इसका यूज यही है। हमें यूज करने के लिए दो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, अब हम इसको असेंबल यानी कि एंगेज और डिसएंगेज किस तरह से करेंगे वो हम इसी लीवर के पीछे हमारा है लीड स्क्रू। अब मान लीजिए एक नट है और उसके ऊपर हमने बोल्ट असेंबल करके उसको टाइट किया है, बस यही मैकेनिज्म है। इसमें बोल्ट होता है और उसके ऊपर नट लगता है, उसी तरह का एक बड़ा सा नट यहाँ पे यूज होता है जिसको हम कहते हैं हाफ नट। और ये पूरा नट है इसको हमने बीच में से कट कर लिया तो दो पार्ट हमें मिल गए नट के, और उसी को ऐसे एंगेज और डिसएंगेज करने की वजह से इसको बोला जाता है हाफ नट। फ्रेंड ये जो लीवर है ये अभी डिसएंगेज है हमारे लीड स्क्रू से, यानी कि ये जो दोनों हाफ नट है वो डिसएंगेज है हमारे लीड स्क्रू से। अब इसको हम करते हैं एंगेज, तो ये जो दोनों हाफ नट है वो हो जाते हैं एंगेज, और जो पूरा हमारा स्लाइड है जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्लाइड है कैरेज वो हम ऑटोमेटिकली इसको यूज कर सकते हैं। हमारा मैनुअल जो ये व्हील है वो डिसएंगेज हो जाएगा इस पूरी सिस्टम से, यानी कि ये ऑपरेट नहीं होने देगा। फ्रेंड्स एक और छोटी सी मैकेनिज्म है जो कि हमें ऑटोमेटिक क्रॉस फीड देनी है उसके लिए यूज होती है, और इसके साथ यूज होता है हमारा फीड बार। ये सारी बात हमने की लेथ के मेन पार्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स इसके अलावा और भी कई सारे मिसलेनियस पार्ट्स होते हैं लेथ में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। फ्रेंड्स मैं राहुल व्यास और आप देख रहे थे टेक्नोपार्क आर्मी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपार्क आर्मी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्ले सेफ, बाय बाय। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए और इसकी जानकारी हर एक यूजर को मिलनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपाथ आरबी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत ही मिलती रहे। फ्रेंड्स स्क्रीन में दिखाए गए हमारे चैनल के लोगों को क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपाथ आरबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स